जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आइए आज देख लेते हैं एक उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिमा की जो स्थितियां थी उसके बारे में। एक चार्ट हमने बना दिया है, इस चार्ट को आपको लर्न करने का आसानी हो जाएगी, इसको याद करने के लिए बनाया गया। तो हमने यहाँ पे दो ही कंडीशन आपको बताई थी। तो देखिए, एक वस्तु जब अनंत पर रखी थी, दूसरा जब अनंत और पोल के बीच में रखा गया था। तो जब वस्तु को अनंत पर रखा गया था तो उसकी प्रतिमा की स्थिति क्या थी। तो इसके फोकस पर बनना था, यानी एक पे बनना था, जो प्रतिमा है एक पर फोकस पर बन रहा था और दर्पण के पीछे बनना था, दर्पण के पीछे। ठीक है, अब प्रतिमा का आकार कैसा था। बिंदु आकार का, अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार, बिंदु आकार। और कैसा था प्रतिमा की प्रकृति, यानी कैसा था प्रतिमा। सीधा था, उल्टा था, आभासी था, वास्तविक था। तो कैसा था, सीधा तथा आभासी। आभासी पहले लिख दे रहे हैं, आभासी यानी वर्चुअल तथा सीधा। सीधा बनना था, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन आपको समझ में आई होगी। अब दूसरी कंडीशन में क्या था, जब वस्तु को हम अनंत और पोल के बीच में रखा था तब इसकी कंडीशन क्या थी। तो देखिए, प्रतिमा की स्थिति क्या थी। तो ये फोकस तथा कहाँ बन रहा था, पोल के बीच, पोल के मध्य, मध्य। और कहा था दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब इसमें तो छोटा ही था, यानी वस्तु से छोटा था, छोटा था। और प्रतिमा की जो स्थिति वो कैसे थी, यानी जो प्रकृति थी वो कैसे थी, यही वाला लिख दीजिए, आभासी यानी वर्चुअल तथा सीधा यानी इरेक्ट, सीधा। आया समझ में। तो ये दोनों कंडीशन आपके हो गए। तो आई होप, ऐसा उम्मीद करते कि ये चार्ट आपको समझ में आया होगा। आप इसको लर्न कर लीजिएगा और हो सके तो इसका नोट्स बना लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। वैसे तो आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया ही गया है।